फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता एंड वेलकम टू सरिता की रसोई। तो आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ कच्चे केले की सब्जी। तो जिसके लिए ये मैंने 5 कच्चे केले लिए हैं, इनको 2-3 पानी से वॉश कर लिया है। तो चलिए अब हम इनको काट लेते हैं। काटने के लिए सबसे पहले हम इसके आगे आगे का पार्ट और ये पीछे का पार्ट काटेंगे, और फिर इसके जो छिलके थोड़े मोटे होते हैं और इसको हमने चाकू की सहायता से ऐसे काट लेना है। ये देखिए, सारे केलों को हम ऐसे ही छीन लेंगे, ऐसे छीन लेना है हमने। तो सारे केलों को हमने ऐसे छील लिया है। अब हम इनके ऐसे गोल गोल पीसेस काट लेंगे। ये देखिए, सारे पीसेस हमने ऐसे काट लेने हैं। तो ये देखिए, इसको काट के हमने ये बाउल में डाल दिया। अब हम इसमें कुछ डालेंगे मसाले। सबसे पहले हमने 1/2 टीस्पून हल्दी डाली है, उसके बाद 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। इसको हमने मिक्स कर लेना है, अच्छे से कोटिंग कर लेंगे मसालों की। तो अब हमने ऑयल गरम कर लिया है और ये मसाले वाले जो केले हमने रखे थे वो थोड़े थोड़े से इसमें डालेंगे और इनको फ्राई करना है। और इनको फ्राई करेंगे सेम पे, इनको 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे ढक के। ये हमने ढक दिया और फ्लेम को हमने लो कर दिया है। लो फ्लेम पे हमने 5 से 10 मिनट के लिए इनको पकाना है। तो ये देखिए, हमारे केले ये बिल्कुल गल चुके हैं। ये देखिए, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं, गैस बंद कर देते हैं। अब इसी कढ़ाई में हमारा तेल गर्म ही है, 1 चम्मच हमने तेल रखा है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच मेथी दाने डालेंगे। इसी में 1/2 टीस्पून राई डालेंगे। राई जब चटकने लगेगी तो हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और इन सबको मिक्स कर लेते हैं। इसी में 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर मिक्स कर लेते हैं। 1 मीडियम साइज का प्याज हमने बारीक काट लिया, ये मिक्स कर लेते हैं। इसको भूनना है हमने। 1 टीस्पून सौंफ पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला मिक्स कर लेना हमने। तो प्याज हमारा लगभग भुन चुका है, मसाले भी भुन चुके हैं। तो अब हम इसमें पके हुए जो हमारे केले हैं डाल देते हैं और इनको अच्छे से लपेट लेते हैं मसालों के बीच में, ताकि सारे मसाले की कोटिंग इसके अंदर हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इनको हमने लो ही रखा है, ऊपर से हम नमक डाल देते हैं। मिक्स कर लेना। 1 टीस्पून अमचूर पाउडर मिक्स कर लेते हैं और 1/2 टीस्पून चाट मसाला। तो लीजिए, हमारे ये चटपटे केले की सब्जी तैयार है। बिल्कुल इसकी लुक आलू जैसे लग रही है, जैसे हम आलू की सूखी सब्जी बनाते हैं ना, बिल्कुल देखने में आलू की सब्जी लग रही है। तो ये देखिए, हमारी चटपटे केले की सब्जी तैयार है। तो ये देखिए, हमारी ये चटपटे केले की सब्जी तैयार है और इसकी लुक बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे हमने सूखे आलू की सब्जी बनाई है। तो बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बनने वाली रेसिपी, और बिल्कुल 5 मिनट के अंदर हमने ये सब्जी बना दी है। और ये सूखी सब्जी आप परांठे, पूरी और चपाती के साथ भी खा सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करना, मेरे कहने पे एक बार ट्राई ज़रूर करना, बनाना ज़रूर। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।